जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए आर सक्सेस फोर्थ पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी यानी इंडियन कोस्ट गार्ड 02 2022 की तैयारी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो ये फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर एडमिट कार्ड कब आएगा और हमारी एग्जाम डेट क्या रहेगी। तो यहाँ पर जितने भी आपके डाउट्स हैं आपके एडमिट कार्ड को लेकर, आपकी एग्जाम डेट को लेकर, मैंने अभी एक दो दिन पहले अपना डाउट सेशन किया था। काफ़ी स्टूडेंट्स उसमें जुड़े अपने, उन्होंने क्वेश्चन पूछे जो भी उनके डाउट्स थे और तकरीबन 1 घंटे तक, समथिंग 45 मिनट तक वो डाउट सेशन चला। तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के, मैं आशा करता हूँ कि वहाँ पर जितने भी डाउट्स थे वो आपके वहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। जल्दी मैं एक दूसरा डाउट सेशन लेके आऊँगा एग्ज़ाम के पहले, थोड़ा टाइम की वजह से आपका वो नहीं हो पाया। मैंने वैसे रेगुलर सोचा था कि मैं रेगुलर रहूँगा आपके लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो आगे आपकी जो 1-2 दिन बाद आपका जो डाउट सेशन है वो मैं रेगुलर करूँगा आगे भी। तो आज जो बात है वो करेंगे अपने एडमिट कार्ड के ऊपर कि किस दिन हमारा एडमिट कार्ड आएगा। एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर वैक्सीन सर्टिफिकेट भी ले जाना है क्या एग्जाम सेंटर पर, इस पर भी बात करेंगे कि इसके ऊपर क्या इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से कोई नोटिफिकेशन है, क्या एडमिट कार्ड में ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है कि हमको वैक्सीन सर्टिफिकेट भी ले जाना है। तो यहाँ पर आप जुड़िए, लास्ट तक वीडियो को देखिए। यहाँ पर एक ही जो आपका डाउट्स है आपके एग्जाम को लेकर, आपके एडमिट कार्ड को लेकर, वो यहाँ पर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो ये फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी कोई अदर वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो ये फ्रेंड्स बात करते हैं आपके एडमिट कार्ड को लेकर। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने इंडियन कोस्ट गार्ड 02-2022 के ऑफिशियल नोटिफिकेशन या ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके एडमिट कार्ड को लेकर। देखिए यहाँ पर जो बात है वो यही है कि आपका जो एग्जाम है वो तो आपका अंत में ही होगा। जैसे पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि आपका 28 फरवरी की आपकी नोटिफिकेशन वो आ जाए, एग्जाम डेट आ जाएगी, आपका मिड में करा दिया जाएगा, तो वो सब फेक खबरें थी। लेकिन जो आपकी रियल है, आज दिन तक अगर हम इंडियन कोस्ट गार्ड का अगर रिकॉर्ड देखते हैं, आज दिन तक जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए, 2 बार ऑनलाइन हुआ अभी तक, अगर उसमें भी हम देखें तो चाहे आपका वो फर्स्ट बैच का हो चाहे सेकेंड बैच का, हमेशा लास्ट में हुआ, किसी भी मंथ के लास्ट में हुआ। तो इस बार भी वही चांस है कि आपका एग्जाम लास्ट में होगा और वो अब चांस तो अब तो आपके पूरे बन ही गए, क्योंकि आज की अगर हम आज डेट देखें, जब हम वीडियो बना रहे तो 10 मार्च आपकी आपकी डेट है कि जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए कि मिड को यहाँ पर काट दीजिए, अब आप एंड ऑफ मार्च में आइए। देखिए एंड ऑफ मार्च तो सभी को पता है कि भाई मार्च के एंड में होगा, लेकिन कब होगा एंड ऑफ मार्च 2022, ये हम बात करेंगे। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन अभी तक स्टूडेंट्स का जो खत्म नहीं हो पा रहा वो क्या है कि सर नाभिक जीडी का एग्जाम एक ही दिन में होता है अलग अलग दिन में? ये मैंने कम से कम 20 स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछे जब मैंने लाइव डाउट सेशन किया। तो फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के डाउट थे, भाई आपका एग्जाम है वो एक ही दिन होता है, चाहे आपका जीडी का हो, चाहे डीबी का, चाहे यांत्रिक का। आपको ये भूल होगी कि सेक्शन फर्स्ट प्लस सेकंड पूछा जाता है तो शायद 2 दिन में हो, ऐसा कुछ नहीं होता, कितने दिन बाद नहीं, कितने मिनट बाद, वो भी आपके 5 मिनट बाद आपका सेक्शन सेकंड स्टार्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पर आपको ये डाउट्स खत्म हो जाना चाहिए कि आपका एग्जाम है चाहे किसी का भी हो, जीडी का हो, डीबी का हो, एक ही दिन होते हैं और अपने शिफ्ट वाइज डिवाइड होते हैं, जीडी का अलग होता है, डीबी का अलग और यांत्रिक का अलग। हम बात करेंगे आपके सबसे पहले एडमिट कार्ड को लेकर। एडमिट कार्ड को लेकर यहाँ पे आपको क्वेरी पढ़ सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो आपका एडमिट कार्ड है जिसमें आपको एग्जाम सिटी, देखिए यहाँ पर देखिए एटलीस्ट 10 डेज प्रायर टू ई एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन सेंटर एड्रेस, यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी एग्जाम डेट और जो सिटी होती है वो 10 दिन पहले, आपके एग्जाम के 10 दिन पहले, कम से कम 10 दिन पहले। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना कि एटलीस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कम से कम 10 दिन पहले। तो ये समझ के चलिए कि आपको जब आप ज़्यादा वेट नहीं करना अपने एग्जाम डेट और सिटी को लेकर, ज़्यादा वेट नहीं करना, आज 10 तारीख है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 मैक्सिमम जब आपका होगा, बहुत मैक्सिमम तब 15, जब बहुत मैक्सिमम चांस होगी 15 मार्च को आपकी एग्जाम डेट और सिटी आ जाएगी, नहीं तो 12 से 13 के बीच में ये मान के चलिए कि 13 मार्च तक आपकी 100% आने के चांस ज़्यादा हैं, 13 मार्च तक आपकी एग्जाम सिटी और डेट आ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर लिखा हुआ कि एटलीस्ट, तो एक एक वर्ड आपके लिए मायने रखता है। यहाँ पर कम से कम 10 दिन पहले अगर हम बात करेंगे इसके, तो ये मान के चलिए 15 मार्च को आपका हर हालत में यहाँ पे ऐसा कोई भी यहाँ पर चांस नहीं रहेगा कि आपका 15 मार्च की 16 भी हो, 15 से भाई 16.5 भी नहीं होगा, 15 से 15.5 भी नहीं होगा आपका। तो आपको ये रख के चलना कि 15 मार्च तक हमारी एग्जाम डेट और सिटी आ जाएगी। बात करेंगे आपके एडमिट कार्ड को कि एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्जाम स्टार्ट कब होगा। एग्जाम आपका मेरे हिसाब से आपका 25 मार्च को स्टार्ट हो जाएगा, 25 मार्च को, और जो भी आपका 4 से 5 दिन चलेगा, ये आपकी एग्जाम स्टार्ट होने की डेट है, ये आपकी एक्सपेक्टेड डेट है।
तो आपके 25 मार्च से आपका एग्जाम स्टार्ट हो सकता है इंडियन कोस्ट गार्ड का। यहाँ पर डाउट है कि हमारा एडमिट कार्ड फुल ई एडमिट कार्ड जो होता है जिसमें हमारी इंस्टीट्यूट का नाम वगैरह सभी जानकारी टाइमिंग वगैरह होती है वो कब है। तो उसके हम बात करते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो आपका एग्जामिनेशन होने से 2 से 3 दिन पहले, 48 घंटे पहले या 72 घंटे पहले अगर हम इसको बोलें घंटों में, तो 2 से 3 दिन पहले या 48 घंटे 72 घंटे पहले आपकी एग्जाम को, सपोज दैट आपका मान लीजिए कि 25 मार्च को ही एग्जाम है, 25 मार्च को ही आपका एग्जाम है, तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो 22 मार्च को आ जाएगा। एडमिट कार्ड आपका 22 को आ जाएगा अगर आपका 25 को है, और वही अगर आपका 26 को है तो फिर आपका 23 को आ जाएगा। तो कम से कम आपका 3 दिन पहले यानी कि 72 घंटे पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है। देखिए डेट मैंने बता दी कि 25 मार्च से स्टार्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, 25 मार्च से स्टार्ट होगा क्योंकि पिछली बार भी यही डेट थी 25-30 शायद जब आपका 02-2021 वाला एग्जाम हुआ तब भी यही डेट थी समथिंग, 25 मार्च से आपका स्टार्ट होगा और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपके एग्जाम के जो आपकी एग्जाम की डेट होगी उससे 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको परेशान नहीं हुई है कि हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, तब तक आप अपनी तैयारी करते रहिए। एक स्टूडेंट्स का कमेंट आया था, उनके आते रहते हैं कोई स्टूडेंट्स का नाम पता नहीं हमको सही से, वो बोल रहे थे कि 15 दिन की तैयारी पर एक वीडियो बना दीजिए कि किस तरीके से हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो जल्द ही मैं इस पर कल हो सकता है कल, देखिए 15 दिन तो आपके पास नहीं है, तो आपको अब वो वैसे सिलेक्टेड टॉपिक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, 4 से 5 टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट के 4 से 5 टॉपिक जिनको आप रिवीजन कर लें, वहाँ से हर हालत में क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन उन टॉपिक से आते हैं, तो वो मैं जल्दी वीडियो लेके आने वाला हूँ, कल या परसों की आ जाएगी वो। हम बात करेंगे आपकी वैक्सीन सर्टिफिकेट की, तो हम यहाँ पर अगर इसकी नोटिफिकेशन पर चलते हैं तो नोटिफिकेशन पर ऐसा कहीं पर भी आपका ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट लेके आना है। यहाँ पर मैंने कभी पूरे इसको पढ़ा था तो इसमें लिखा हुआ है वैक्सीन को लेकर, वो आपको कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट अपने साथ में लेके आना ही आना है। तो यहाँ पर आप इसमें देख लेना इसकी जो मैंने ये टेलीग्राम पर शेयर कर दी थी नोटिफिकेशन, अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ से जाके देख लेना। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर ऐसी कोई इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से नहीं है कि आपको सर्टिफिकेट लेके आना है अपने साथ में। मैं भी एग्जाम सेंटर पर जाता हूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स लेके आते हैं, लेकिन वो बाहर आपको कचड़े में डले हुए मिलते हैं, सभी के जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके साथ डले हुए मिलते हैं रोड पर, वो अंदर आपके नहीं आते, ना उनकी ज़रूरत पड़ती है आपके वैक्सीन सर्टिफिकेट की। तो आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको लेके नहीं जाना है, ये आप यहाँ अब आप कन्फ्यूजन निकाल दीजिए कि आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट ले जाना है, तो वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको नहीं लेके जाना है अपने एग्जाम सेंटर पर। फिर भी आपका अगर मन ना माने तो आप लेके चले जाइए अपने एग्जाम सेंटर पर। हम बात करेंगे आपके आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ले जाने हैं। देखिए यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेके जाने हैं, तो यहाँ पर चलिए नीचे यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है कि आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर आपको जाने हैं अपने स्टेज फर्स्ट यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए। तो कहाँ पर भाई लिखे हैं एक बात नीचे, हाँ यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं ये, तो इस पर देख लीजिए। इसको मैं बार बार आपको बता देता हूँ कि अगर हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, वैसे यहाँ पर आपको कलर्ड प्रिंटआउट लेके जाना है तो आप कलर्ड ही लेके जाइए, ओरिजिनल फोटो आईडी, आधार कार्ड वगैरह आपका होगा, पैन कार्ड वगैरह तो वो आपको लेके जाना है, ओरिजिनल क्लास 10th की आपको मार्कशीट लेके जानी है, ये आपको ध्यान रखना है, ओरिजिनल और 2 कलर्ड पासपोर्ट साइज जो आपने अपलोड की है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर जितने भी आपके डाउट्स थे, और SC ST वालों के लिए वो अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसकी 2 फोटोकॉपी और जो टिकट आपका होगा बस ट्रेन का जिस पर भी आप जाएँ जिस पर भी आप ट्रैवल करें वो आप अपना लेके जाएँ, तो वो जो आपका पेमेंट रिफंडेबल होता है वो उनको पेमेंट मिल जाता है, वहाँ से उनको जो जमा करना होता है उनके अकाउंट वगैरह में उनका पेमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी आपके डाउट्स थे आपके एडमिट कार्ड को लेकर वो यहाँ पर आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।